मैं आज की इस वाली वीडियो में अपने विलेज को पूरी तरह से किंगडम में कन्वर्ट करने वाला हूँ इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। यहाँ पे मेरा विलेज कुछ ऐसा दिखता है और मैं ऐसे ऐसा करने वाला हूँ। मैं अपने पूरे विलेज को किंगडम में कैसे कन्वर्ट करने वाला हूँ वो देखने के लिए वीडियो पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं क्या बनाने वाला हूँ वो तो मैंने इंट्रो में बता ही दिया है, जो वो नल्ला एडिटर इंट्रो में डाल देगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अबे नल्ला किसको बोल रहा है बे? तुझे बोल रहा हूँ बे, क्या कर लेगा? अच्छा, मैं क्या कर लूंगा? मैंने वो इंट्रो में डाला है, तुझे भी पता है कि मैं वो इंट्रो में डालूंगा। तूने मुझे नल्ला बोला, रुक अभी निकालता हूँ, रुक। नहीं, मजाक कर रहा हो, हे साला सब कुछ सुन लेता है ये। हाँ ठीक है, नहीं निकाल रहा, चल काम कर चुपचाप। हाँ ठीक है, ये जगह पहले क्लियर करनी पड़ेगी और मेरे को ये सारे के सारे घर भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि नए तो बनाने वाला हूँ। मैंने जो दिमाग में सोचा है वही वाला मैं बनाऊंगा, आपको भी पसंद आएगा और मेरे को तो आएगा ही आएगा। मैंने इधर थोड़ा सा एरिया खाली तो किया था इधर, पर इतना एरिया से कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से आपको सब कुछ दिखा देता हूँ मैं कहाँ कहाँ तक अपने विलेज को बड़ा करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बड़ा सा डॉक बनाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे जहाज बहुत सारी बोटे खड़ी रहेगी। सोच रहा हूँ इधर एक ना बड़ा सा लाइट हाउस बना दो, लाइट हाउस वरना इधर मैं अपना स्टेचू बनाऊंगा। और यहाँ पे बनेगा बड़ा सा वीड मिल जहाँ पे रहेगा हमारा फार्मर, साथ नीचे तक फार्म को फैला दूंगा। ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, वहाँ पे मैं बहुत सारे विलेजर का वर्क स्टेशन बनाऊंगा, मतलब बहुत बड़ा वर्क स्टेशन बनाऊंगा। वहाँ पर सिर्फ दो टाइप के विलेजर रहूंगा, जैसे कि एक फिशरमैन और दूसरा वो जो स्मोकर वाला आता है वही, वो दो टाइप की बस विलेजर वहाँ पे रहेगा, बाकी कोई नहीं। यहाँ पे मैं बड़ा सा डॉक बनाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे जहाज बहुत सारी बोटे खड़ी रहेगी। विलेज में सजाने के लिए मेरे को हे बेल भी चाहिए रहेगी, जो है बेल में दूसरे विलेज में चल चोरी करके लाऊ का ही है। सब के सब चोर हैं साले, इनको पता भी नहीं चलेगा मैं कब लेके गया और कब लेके आया। और इस एरिया को मेरे को बड़ा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी छोटा विलेज नहीं बनाना है भाई, मैंने बहुत रह लिया छोटे विलेज में। मैं बनाऊंगा तो बहुत बड़ा विलेज बनाऊंगा। और ये आयरन फार्म को भी हटा दूंगा और ये जो दो फार्म है ना उसको भी हटा दूंगा। ये कॉपरस्टोन फार्म तो मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बनाया तो उसको भी हटा ही दूंगा मैं, क्योंकि उसका भी अभी कुछ काम आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पे बहुत सारा कॉबलस्टोन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं पहले आयरन फार्म हटाता हूँ, मेरे को लावा लेने के लिए 3-4 वाटर बकेट ले लेता हूँ ताकि वो पानी और वो लावा भी ले लूँ मैं। पहले तो मैं इस ज़ॉम्बी की ऐसी की तैसी करता हूँ, मर देरी, अभी तक मरा नहीं एक मैं, हाँ मर गया। तो उसको मैं पहले ऊपर जाकर लावा और पानी हटा देता हूँ, ये लावा ले लेते पहले, आ गया नीरा, आ गया। तो इसको तोड़ना स्टार्ट करते, 2 मिनट में तोड़ देता हूँ मैं इसको। ये वाली चेस्ट तो खाली है, अच्छा सारा सा आयरन नीचे आ जाए भाई साहब, कितना सारा आयरन आया हुआ है अभी। ये फार्म तो वैसे अच्छा काम कर रहा है। तो गाइस, मैं टाइम लैप्स थोड़े से बड़े बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैं विलेज कैसा बना रहा हूँ और कितना बड़ा बना रहा हूँ। तो प्लीज़ टाइम लैप्स थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 10-15 मिनट जितना रहेगा, 15 मिनट तो नहीं जाएगा, बस 8-9 मिनट का मैं बना दूंगा। अभी आयरन की बारिश कराता हूँ मैं, पहले होपर तोड़ता हूँ, होपर में से बारिश गिराता हूँ, ये देखो बारिश हुई। अभी ये चेस्ट में से बारिश करता हूँ मैं, ये देखो भाई साहब, ये कितना सारा आयरन आया हुआ है। इसको मैं पहले स्टोर करता हूँ ठीक से, रुको। इन सब को स्टोर करने के बाद विलेज बनाने का सारा सामान इकट्ठा करता हूँ और विलेज को पूरा क्लियर करता हूँ। ये इंटरनेट ठीक करा दो यार मेरे को, ये देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है, मेरे रॉकेट भी ख़त्म हो गए। रुको, घर पे मैंने बहुत सारे बना के रखे, तो घर से रॉकेट ले लेता हूँ पहले। क्या बे, ये वाला बंदा, मेरे को यही नहीं पता ये बंदा नीचे कैसे आया है, पता नहीं गेट खुला होगा शायद, ये बंदा नीचे आ गया साला, इसको मरने का डर है, मर जाएगा तो मेरा मेंडी वाला बंदा चला जाएगा। ये देखो, मैं थोड़े से डायमंड भी लेके आया था, वो लूटने गया था तब, वोडन कभी पहल के आया हूँ मैं, 2 वोडन मारे थे, वो भी कैसे मारे पता है, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा वोडन को स्पॉन कराया, उधर जाके उसको एरो से मार रहा था। तो मैं पहले तो सारी चीजें, रुको पहले ये इसको फील करता हूँ मैं, इसका वैसे भी कुछ काम है नहीं, तो इसको मैं फील कर देता हूँ इधर तक। पहले का पीछे का एरिया साफ करना स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ तक मेरे को इस एरिया को बड़ा करना है। चलो इधर तक, वहाँ से लेके इधर तक मेरे को एरिया को उधर तक लेके जाना है, तो इधर से मैं पहले लाइन खींचता हूँ बड़ी सी, अंदर से खोदना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को डट की भी जरूरत पड़ेगी, फिर ऊपर से फिल कर दूंगा मैं। हाँ बस इधर तक ही करना है। अब इधर से मेरे को घूमना है उस साइड पे, हाँ इधर तक, इधर तो केव आ रही है बड़ी सी, बस इधर तक मेरे को विलेज को बड़ा करना है।
इस वाली जगह तक, इस वाली जगह तक मेरे को विलेज को बड़ा करना, तो इधर से मैं डायरेक्ट दूसरी वाली लाइन खींचता हूँ ताकि वो कनेक्ट हो जाए। बहुत बिल्डर करके दिखाएगी। अब इधर तक सारे डॉट डिस्पोन हो गए, चलो अच्छा हुआ। इधर को अभी इधर से अभी ऊपर ऊपर से फिल करना स्टार्ट करता हूँ, और उधर से अंदर अंदर से मेरे को डॉट भी लेनी थी, तो मैंने डॉट भी ले ली। मेरे पे थोड़ी बहुत कम थी जिसलिए मैंने ले ली उधर से, और ये ट्री को भी मेरे को हटाना पड़ेगा सारे ट्री को भी। तो इसको थोड़ा सा मैं लेवल में लाता हूँ, ये थोड़ा सा बाकी रह गया था करना, तो इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। इधर तक विलेजर के घर बनाने में मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा, इस बात का कि ये साले विलेजर भाग ना जाए, क्योंकि इस वाले विलेज में टिक नहीं पा रहे तो इधर कहाँ पे टिकेगा। वैसे अपने विलेज को मैं इधर तक बड़ा करूँगा नहीं, क्योंकि ये इधर तक बड़ा करने का तो मेरा विलेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा। मीडियम साइज में रखूँगा ताकि वो अच्छा भी दिखे, और नहीं इधर तक मैं करेगा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा भाई। बस थोड़ा सा ऊपर से फिल करने का बचा है तो फिल कर देता हूँ मैं। अरे छपरी यूट्यूबर, बक बक करना बंद करो, चुपचाप काम करना। छपरी छपरी यूट्यूबर, अबे साले सामने आके बोलना, फिर दिखाता हूँ ना तेरे को मैं। छपरी यूट्यूबर वाली उधर बैठे बैठे बज रहा है, इधर आके बोल के दिखा, इधर आके फावड़ा मुँह पे फेंक के मारेगा मैं तेरे को ना। पहले एमएलजी करना सीख, फिर फावड़ा फेंक के मारना। अच्छा एमएलजी नहीं हो रही मेरे से, रुक तेरे को एमएलजी दिखाता हूँ ना। एमएलजी नहीं हो रही ना मेरे से, अभी तो करके रहेगा साला, रुक तेरे को दिखाता है मैं। बहुत ऊपर आ गया, अभी बोल रहा मेरे से एमएलजी नहीं हो रही, अभी मेरी एमएलजी देख। क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था एमएलजी गया, मैंने कुछ देखा नहीं, छोरे मैं जा रहा हूँ, बाय बाय साले। बोल मध्यवाज के बाद। ये फील करने के बाद मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। मैं पहले तो वुड फार्म पे वुड का एफ के करता हूँ, और मेरे पे तो स्टोन की बिल्कुल भी कमी है नहीं, तो उसकी परवाह करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जाता हूँ दूसरे विलेज में, उधर मैं बहुत सारे विलेजरों को स्टोन कटर की जॉब देता हूँ, और ब्रिक और टेराकोटा की ट्रेड करता हूँ। मेरे पे बर्च और ओक के लोग नहीं होते, तो मैं उसका भी बहुत सारा माइनिंग करता हूँ। फिर एक एक करके सारे विलेजरों का घर हटाता हूँ, और फिर विलेज के अंदर के एरिया को और विलेज के बाहर के एरिया को मैं क्लियर करता हूँ। अब आगे तो फाइनली गाइस सारी साफ सफाई की चीज़ें हो गई है, सारा सामान इकट्ठा करना हो गया है, जो मेरी पीछे की चेस्ट में देख रहे हो सारा सामान मैंने उस सारी चेस्ट में रखा हुआ है। और अभी आपको मैं एरिया भी दिखा देता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ तक एरिया को फिल किया है, क्या क्लियर किया है, और सब कुछ अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, इसमें सारे लोग और सारे ब्रिक सारी चीज़ें पड़ी हुई जो मैंने काटी थी, इसमें बहुत सारे ग्रास ब्लॉक और बहुत सारे स्टोन ब्रिक पड़े हुए हैं, इसमें तो सारे स्क्रूज प्लैंक और सब पड़ा हुआ है, और इसमें सारे स्क्रूज लॉक पड़े हुए हैं। तो मैंने सारे के सारे घर भी हटा दिए, तो रुको इधर कहीं पड़े हो गए शायद रॉकेट, तो मैं रॉकेट ले लेता हूँ और आपको दिखा तो मैंने कितना क्लीन किया है इस एरिया को पूरा। अबे यार इधर कहीं पे रॉकेट सही नहीं रहे, तो मेरी शवल भी ऑलमोस्ट टूटने को आई है, और 100-200 ब्लॉक तोड़कर मेरी शवल टूट जाएगी पूरी। अभी इधर से पहले 100 लेते, फिर चलते विलेज में जो कि पहले विलेज था, क्योंकि मैंने सारे के सारे घर हटा दिए। ये देखो पूरा क्लीन कर दिया है मेरा विलेज, पहले कैसा था और अभी कैसा है ये देखो। और ये एंडरमैन ना बहुत कमी नहीं है साले, बार बार डर्ट ब्लॉक उठाए जा रहे। रख उधर इधर बड़ा सा वर्क स्टेशन बना होगा, बहुत सारे बर्चर और बहुत सारे फिशरमैन को रखो इस वाली जगह पे, जो सामान लोड कराते हैं ना वैसा वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और जो ये वाला एरिया है ना, क्योंकि बड़ा सा विंडमिल बनेगा इधर, इधर फार्मर का घर रहेगा। अभी पहले तो मैं बनाऊंगा क्लेरिक का घर बनाऊंगा मैं इधर, और लाइब्रेरी दूसरा बनाऊंगा लाइब्रेरियन का घर। जो घर बनेगा इस वाली बीच वाली जगह पे, मैं नेदर पोर्टल हटाना भूल जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में आएगी ना। तो गाइस सारी जगह वगह दिखाना हो गया है, सारी चीज़ें दिखाना हो गया, जो मैंने सामान इकट्ठा किया वो सब कुछ हो गया। अभी बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं अपना किंगडम, तो आप लोग इंजॉय करिए टाइम लैप्स को, मैं किंगडम को बना के आता हूँ।
तो गाइस आप लोगों ने टाइम लैप्स को देख लिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्यारा किंगडम, तो उसको मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो अभी उसको दिखाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर देना, बस लाइक बटन को दबा दो मेरे लिए प्लीज, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगी है। 1, 2 and 3 वाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने किंगडम को क्या बनाया है, मतलब अपने विलेज को क्या बनाया है। पहले कुछ विलेज अपना ऐसा दिखता था और अभी कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे मैंने एक बड़ी सी विड मैर भी बना के रखी है, इससे भी बड़ी मैंने बना के रखी है जो कि उधर है, जो कि ज़्यादा लोड भी हो नहीं रही है क्योंकि मेरा किंगडम इधर, क्योंकि किंगडम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इधर से शुरू होकर ख़त्म होता है उधर। तो अभी आपको मैं अपने किंगडम का स्टोर देता हूँ कि क्या कहाँ कहाँ से कहाँ सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये वाला घर मेरे को लगा था कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा और कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा और अंदर से भी कुछ बड़े बड़े कमरे होगा, मतलब एक मेंशन टाइप होगा ये वाला घर। पर जब मैंने घर बनाया तो मेरे को पता चला कि ये कोई ऐसा ही अंदर से कुछ बनता नहीं है, तो फिर भी मैंने बना दिया। मैंने सोचा कि इसके अंदर विलेजर रख देखो, जो कि विलेजर की साउंड आ भी रही है, और गलती से मैंने इस घर को थोड़ा सा
गलत बना दिया, मतलब मैंने इस घर को गलती से उल्टा बना दिया। इसका चेहरा है जो कि इस तरफ है। अभी आते इस वाले घर पे, जो ये वाले सारे घर मतलब सिविलियंस के, मतलब सारे सिविलियंस के जो नॉर्मल विलेजर ऐसे ही नल्ले की तरह घूमते रहते, तो बाकी नल्ले विलेजर है उनके लिए वाला घर है, जो कि इधर मैंने थोड़ा बहुत बैठने के लिए भी बनाए रखा है, जिधर इसके ऊपर हम खाना पका सकते हैं और कर सकते हैं। और ये रहा हमारा फ्लेचर का घर। मेरे किंगडम में सबसे ज़्यादा बंदे हैं ना तो वो यही लोग हैं, फिशरमैन, क्योंकि मैंने डिज़ाइन देने के लिए बैरियर रखे हैं सारे घर के बाहर, तो ये बंदे आके उधर जाके जॉब ले लेते हैं। और ये घर है अपने फ्लेचर का, जो कि फ्लेचर पता नहीं कहाँ घूमने गए। ये रहा हमारे स्मोकर का घर, जो स्मोकर वाला होता है वो, और ये रहा जो जिसके अंदर वो फिशरमैन होता है, और वो वाला बंदा पता नहीं आई बंद क्यों कर रहा है, वो वाला बंदा पता नहीं अभी कहाँ पे मरा है। और ये देखो इधर बैठ कर खा सकते हैं हम लोग। और इधर भी मैंने वही किया है, इधर भी सिविलियन के घर बना के, क्योंकि मेरे विलेज में बहुत सारे विलेजर है। और इधर रही थोड़ी बहुत वीट है, जो कि मेरे पे बहुत सारी हेबेल पड़ी हुई, मैंने कम से कम 20-30 टैग मेरे पे थे विलेज के अंदर ऐसे आसपास मैंने लगा के रखी। और इधर थोड़ा अमीरी दिखाने के लिए भी एमराल्ड के ब्लॉक लगा के रखे। और ये मैं हेबेल थोड़ी सी चोरी करके लाया हूँ आसपास के विलेज के वहाँ से, क्योंकि दो विलेज इधर ही आते हैं और दो विलेज अपने विलेजर आउटपोस्ट के पास में आते हैं। और हमारे विलेज के जो कि हमारा ये किंगडम है उसके पीछे ही दो विलेज और आते हैं। हमारे किंगडम के आसपास बहुत सारे विलेज है, उधर से मैं सब जगह से लूट के लाया हूँ। और इधर भी थोड़े बहुत विलेजर के घर बना के रखे। और इधर में बहुत सारा सामान बचा है, देखो ना बहुत सारा सामान बचा हुआ, इधर भी बहुत सारा सामान बचा हुआ है। और ये रहा हमारा टाउन हॉल, जिसको मैंने टाउन हॉल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मतलब तोड़ा नहीं है मैंने इसको, इस टाउन हॉल को मैंने तोड़ा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर से मॉडिफाई किया ताकि इन सारे घर के साथ मैच हो जाए। जैसे मेन काम करने वाले जैसे आर्मर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, उन लोगों के सारे घर मतलब अलग अलग बना के रखे। और ये जो सिविलियंस के घर है वैसे ऐसे बना के रखे। और ये रहा हमारा विंडमिल, जो कि विलेज के बीच में बनाया है ताकि ये अच्छा भी दिखे। और मैंने सोचा पीछे की साइड पे मैं इसको बना दूंगा, पर विलेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पीछे की साइड पे घर बनाया नहीं। और इस बटन को दबा के हमारा ये विंडमिल चालू होता है, मतलब ये चलता तो नहीं है पर ये बस काम करता है, मतलब ऐसा सिस्टम बना के रखा है। देखो अभी ये देखो, मतलब इधर ये वो सारा वीट पीसा जा रहा है पर इधर आके निकल आ जा रहे हैं। और ये अभी इसको भी बंद कर देते क्योंकि ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। अभी चलते हैं लाइब्रेरियन के घर पे। और ये रहा हमारे काटो नहीं, ये वाला तो स्मोकर का ही घर है। ये रहा हमारे क्लेरिक का घर, यहाँ पे क्लेरिक भी पता नहीं कहाँ पे गया है, वो भी शायद विलेज में कहीं घूम रहा होगा। और ये रहा हमारे लाइब्रेरियन का घर, इधर भी शायद, अरे ये बंदा तो कोई और है, लाइब्रेरियन कहाँ गया भाई, शायद ऊपर होकर काम, इधर भी नहीं है, तू क्या देख रहा है नीचे भाई, इसके तो अलग ही नशे, छोड़ो इसको। और ये मैंने थोड़ी बहुत फ्लोरिंग चेंज की है, और इस वाली दर्ट का मैंने थोड़ा बहुत मस्त जुगाड़ किया है। और जो अजेलिया के कुछ पेड़ आते हैं ना, उसका नाम भी ठीक से बोला नहीं जा रहा है, वो वाले पेड़ का मैंने उसको पहले बोया और उसके नीचे से वाली सारी डर लगाई मैंने उधर, मतलब पूरा फार्म ही बना दिया उसका। तो अभी चलते इस वाले टावर के पास, और उसके बाद मैं आपको एक और बढ़िया सी मेन चीज़ दिखाता हूँ मेरे किंगडम से। जो चीज़ अगर मेरे किंगडम में नहीं होती ना, तो वो मेरा किंगडम में मेरे को फीलिंग ही नहीं आएगी, मेरे में किंगडम या मेरे पे अच्छा वाला विलेज है, मेरे को उस वाली फीलिंग ही नहीं आती। रात भी हो रही है तो पहले जाके सो जाते इस वाले नल्ले विलेजर के घर में, जो कि हाँ ये देखो आ गया लाइब्रेरी, उठ भी नल्ले चो जा। वो वाला जो सैंड स्टोन है ना, वो मैं लेने गया था 12,000 ब्लॉक दूर, जी हाँ 12,000 ब्लॉक दूर। वो सैंड को लेने के लिए नहीं गया था, मैं ऐसे ही बस देख रहा था मेरे वर्ल्ड में डेजर्ट है कि नहीं, क्योंकि मेरे को डेजर्ट चाहिए भी है, क्योंकि थोड़े टाइम में मेरे को डेजर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं डेजर्ट ढूंढने के लिए गया था, जो कि मेरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूर है, मतलब मेरे, तू क्या देख रहा है भाई, हाँ तेरी तो साल मैं छोड़ मारता नहीं हूँ, जो कि मेरे वर्ल्ड से 12,000 ब्लॉक दूर है, 12,000 ब्लॉक दूर। भाई मैं पागल हो गया था उसको ढूंढ, मैंने कम से कम आधा एक दो घंटा उसको ढूंढने में लगा दिया, पता है। अभी चलते इस वाले टावर में, जो कि उधर से बहुत बढ़िया सा व्यू आता है, और वो रहा हमारा हमारी शानदार चीज़ जिसके बिना हमारा किंगडम अधूरा है, पहले इधर चलते हैं। और इधर भी मैंने बैठने के लिए जगह बनाई है, और इधर भी थोड़े बहुत बैरियर लगाए ताकि डिज़ाइन थोड़ी अच्छी लगे। और इधर मैंने थोड़ी बहुत एंड रोड भी बना के रखी है, क्योंकि ये वाला टावर हमारे किंगडम में सब जगह से देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। और हमारा कासल, हाँ ये देखो अपनी बेस्ट चीज़, मेरी किंगडम की बेस्ट चीज़, ये वाली जगह, जो कि ये इधर भी मैंने बहुत सारा वीट लाया है, जो कि मेरे पे अभी तो पता नहीं अभी भी पड़ा होगा कि नहीं, कासल पे देखना पड़ेगा। इधर मैंने थोड़ी बहुत लकड़ी लगा के रखी है, इधर वीट बैरल्स, और इधर भी देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान लगा के रखा है, जो कि इधर से सारा सामान हमारा बंदे ट्रेड करते, देखो उधर भी काम कर रहे हैं, अभी वो सारा सामान अभी लोड भी कर रहे हैं, वो लोग जाने के लिए रेडी है।
और ये हमारा बड़ा सा वीड मिल जो कि मेरे किंगडम का सबसे बड़ा वीड मिल है। ये कितना मस्त लग रहा है ऊपर से वीड मिल। अरे ये रहा हमारा पूरा डॉक जहाँ पे मैंने बड़ा सा पायरेट शिप बना के रखी है जिस पायरेट शिप का नाम है ब्लैक पल। और इधर मैंने बहुत सारे डायमंड के ओर रखे है, गोल्ड के ओर, फिर ये नेदर के गोल्ड के ओर। और मेरे को एक बात जाननी है, क्या सच में वो वाला ओर जो डिस्प्लेट का एमरल्ड का ओर होता है वो क्या सच में रेयर होता है क्या? क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले इस वाली केव जो पीछे वाली जगह है ना उधर केव में गया था जहाँ पे वोडन को मार रहा था, तो मारते मारते मेरे को ऊपर पता नहीं क्यों डिस्प्लेट का ओर दिखा मेरे को एमरल्ड वाला। मैंने उसको लिया नहीं, मैंने मेरा दोस्त भी था तब, वो मेरा जो 100 डे वाली सीरीज थी ना उसमें आया था मेरा दोस्त, वही वाला दोस्त इस वर्ल्ड में मेरे साथ खेलने के लिए आया था। हम दोनों गए थे ऐसे ही वॉर्डन को मारने के लिए, ऐसे ही घूमने गए जब किंगडम बन गया था मेरा। तब मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि वो वाला और रेयर होता है क्या, उसने मना किया तो मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पे बहुत सारे एम्बर पड़े हुए थे तो मैंने लिया नहीं उसको। क्या बात है सर। अभी चलते हैं बड़ी वाली शिप के पास। वो बड़ी वाली शिप के पास जाने के लिए रास्ता बनाना या नहीं, मैंने नीचे से जाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत काम करने वाले बंदे रखे हैं जो ये टॉप को चलाते हैं, पर उसके पास सर ही नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई स्कल वल का वो स्केलेटन का सर या जोम्बी का सर होता है वो है ही नहीं, क्योंकि मेरे पे एक था जो कि मेरे कप्तान साहब को लगा दिया है, जो कि ये वाला स्कल मेरे को मिला था एंशियंट सिटी में जो कि मेरे किंगडम के नीचे ही है, सॉरी किंगडम क्या मेरे कासल के नीचे ही है। और एक बढ़िया सी चीज़ दिखा तो मेरे कैप्टन रूम के अंदर जो कि बहुत मस्त चीज़ है, ये रही। ये तो अभी छोटा है, ये चीज़ तो छोटी, ये देखो हमारा किंगडम पूरा दिखता है, मतलब पूरा तो नहीं दिखता आधा ही दिख रहा है क्योंकि इधर भी बहुत सारे घर है। चलो अभी देखने चलते हमारे इस वीडियो का सरप्राइज, मतलब मेरे किंगडम के लिए सरप्राइज जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है पर उसको करने में टाइम तो लगा है, जो कि मेरे कासल के लास्ट वाले फ्लोर में जो कि बहुत ऊपर है वो फ्लोर। अभी देखने के लिए रेडी हो जाओ, 1 2 एंड 3 3। यस मेरे वर्ल्ड का पूरा का पूरा मैप, मतलब पूरा तो नहीं है बहुत बड़ा मैप है, जो कि ये मेरा रहा किंग्स घाट, जिस मैंने अपने वर्ल्ड का नाम भी रखा हुआ है, मैं भूल गया था बताने का, मेरे वर्ल्ड का नाम किंग्स घाट है, मतलब वर्ल्ड का नाम नहीं मतलब किंगडम का नाम है मेरा किंग्स घाट। चलो ना उस ओर को भी लेके आते, मैंने देखा था उधर अगर होगा तो ठीक है वरना भाड़ में गया क्योंकि मेरे को चाहिए भी नहीं, वैसे भी उसका ओर करूँगा भी क्या, वैसे भी रेयर है तो मेरे पास होगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पे एमरल्ड का पूरा फार्म जो है। आई मरियो मत हाँ बच गया, आई गेरा जोर से, उसको कुछ हुआ भी नहीं फिर भी मैंने उसको मारा। आई अरे नहीं गलत किया मैंने, मैं पागल हूँ क्या भाई? नहीं, लैटरा पहनना पड़ेगा ताकि उड़ सकूँ मैं इधर से भाग सकूँ, वरना वो गंदा वाली बैंड बजाएगा मेरी। यार मेरे को मिल क्यों नहीं रहा यार, मैंने इधर ही कहीं तो देखा था। छोड़ो नहीं चाहिए मेरे को वैसे भी, छोड़ो घर पे ही चलते हैं। डायमंड एक और देगा मेरा घर, पता नहीं मेरे को याद है जहाँ से मैं आया था पहले, कौन सी साइड से आया था मैं, मेरे को वही नहीं आता। इधर का स्पॉन कराने का है क्या? इधर भी स्पॉन कराने का तो मजा आएगा मेरे को। एक काम करते स्पॉन ही कराते हैं ना हम विलेज। मिल गया, अरे मिल गया भाई, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, मिल गया मेरे को। देखो तो ब्लॉक्स नहीं है मेरे को, देखो ऊपर डायमंड के साथ है वो एक और। फिर एक वॉर्डन के साथ फाइट भी करते हैं हम लोग, ये लेके वॉर्डन के साथ फाइट करते हैं। हाँ यार अभी माइंड करते ना इसको, आ गया। उतना अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं क्यों, रेयर हो तो अच्छा है फिर ठीक है, वरना उसका क्या ही कर लेंगे हम लोग। अबे इधर क्यों आया? और आधे को स्पॉन कराने को, उसको स्पॉन कराते पहले। हो गया देखो कितनी घटिया साउंड निकालते बाहर निकलते, तो जमीन फाड़ के वो भी पता नहीं कहाँ से निकला है, इतना एक ब्लॉक से निकला है वो। भागते देखो इसका भागना, देखो ये भागते भागते कैसे आते, देखो अभी देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अबे आ नहीं पा रहे वो। अबे अबे ये क्या था? ओए 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 ये क्या कर रहा है भाई? मेरे को लगा इसको भाई को बुला लिया इसने। उड़ भाई, उड़ नहीं रहा था मेरा बंदा। अरे 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 आजा आजा, अबे अबे पानी जा, अबे लावा जा ना उधर से, अबे चल के नहीं बोला है? हाँ सही है, हाँ अभी आ, अबे हाँ
हाँ सही, साला वो चल कर आ रहा था। मर गया फाइनली भैया, अभी तो हटा दे भाई। तो गाइस इतनी थी आज की इस वाली वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई एम द गोस्ट ऑफ द उचीहा।